सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हबीब नगर पंचायत के शंकरपुर में गोलियों की तटराहत की खबर ने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया है। बता दें कि सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के 18 वर्षीय अफरोज अंसारी को कनपट्टी में गोली मारी गई है, जिसे नाजुक हालत में सीवान के सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। बता दें कि घायल अफरोज अंसारी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हबीबपुर पंचायत के शंकरपुर गांव के निवासी अलीम अंसारी का पुत्र बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद हुसैनगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर न्यूज इंडिया तक पर देख रहे हैं। बता दें कि गोली चलने की सूचना के बाद से ही लगातार पुलिस भी एक्शन में आ गई है। आज दिन में भी पचरुखी थाना क्षेत्र के जसौली में एक और युवक को कनपट्टी में गोली मार दी गई थी, और अब सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में ये गोलीबारी हुई है।